गरीबों के कल्याण के प्रति जो जज्बात रहता है। राज्य का पहला मुख्यमंत्री, इस राज्य के अंदर 15 सालों से सपा बसपा इस राज्य को लूट रही है, चाहे गंगा यात्रा की योजना रही हो, चाहे कुछ भी रहा हो, इस राज्य को लूटने वाले वंशवाद की पार्टी के रूप में इस राज्य को भयंकर लूटा लोगों ने। उसके बीच में तपस्वी जो परिवार का एक सदस्य भी सरकारी कार्य नहीं रह सकता है, केवल गरीबों के प्रति हमदर्द रहता है और सभी जातियों को लेकर जिनके दिल में पीड़ा होती है, ऐसे राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान, क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अश्विनी त्यागी जी, आदरणीय लोकप्रिय मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी, आदरणीय संजीव जी, आदरणीय सुरेश जी, आदरणीय कपिल, हमारे राज्य की सह संगठन महामंत्री जो पूरा जीवन देकर संगठन के लिए काम करते हैं, ऐसे आदरणीय शिवप्रकाश जी मंच पर सभी सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायक और यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आम जनमानस सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गंगा नदी सिर्फ हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है बल्कि देश की आर्थिक विकास का केंद्र भी है। देश की लगभग 40% आबादी गंगा पर निर्भर है, इसलिए गंगा का अस्तित्व देश के 40% आबादी के अस्तित्व का भी प्रश्न है। 2014 में राज्य के देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित होते हुए कहा था कि गंगा निर्मल स्वच्छ हो जाए तो 40% आबादी काफी की स्थिति सुधर जाए। राज्य का पहला मुख्यमंत्री ऐसा हुआ मित्रों जो इसको गंभीरता से लिए और गंभीरता पूर्वक काम करते हुए, आपने देखा होगा आध्यात्मिक कुंभ, आध्यात्मिक कुंभ में जो नहाने गया होगा यहाँ से, इतना निर्मल और स्वच्छ कुंभ जिस प्रकार का जल वहां था मित्रों, लाखों करोड़ों का स्नान करते थे लेकिन एक भी पुष्प गंगा जी संगम में दिखाई नहीं देता था, और इतनी स्वच्छता, इतना निर्मल अभी तक ऐसा कुंभ नहीं हुआ मित्रों। एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय योगी जी को आशीर्वाद, जरूरत होगा अपने स्थान पर खड़े हो जाए मित्रों, ऐसा खड़े होकर एक बार मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। गंगा जी ने गिरता था मित्रों, राज्य के पहले मुख्यमंत्री है मित्रों,